हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग इस तरह के 33 टेस्ट ख़त्म कर चुके हैं जिनमें हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिटेल में। ठीक, और ये आपके आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे 34वां टेस्ट। 33 हम लोग पहले भी ख़त्म कर चुके हैं, 34वां टेस्ट है ये आपका। तो 34वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा कि निगोशिएबल भंडागार रसीद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। निगोशिएबल भंडागार रसीद केंद्रीय कानून द्वारा समर्थित पराक्रम उपकरण है और कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने में मदद करेंगे। सही है। कोई भी गोदाम NWR जारी कर सकता है। गलत है। 1, 2, 3 कृषि उत्पादों के लिए NWR के निर्गमन को अधिसूचित किया गया है। ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 1 और 3 कथन सही है, बाकी दूसरा गलत है। निगोशिएबल भंडागार रसीद भंडागरण विकास और विनियमन अधिनियम 2007 द्वारा समर्थित पराक्रम उपकरण है। गोदामों में किसानों द्वारा जमा किए गए कृषि उत्पादों के बदले में जारी किए गए NWR बैंकों से ऋण प्राप्त करने में किसानों की मदद करेंगे। सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2010 में भंडागार विकास एवं विनियामक प्राधिकरण गठन किया था। NWR जारी करने के लिए भंडागार को WDRO DRA के साथ पंजीकृत होना चाहिए। ठीक, भंडागार विकास विनियामक प्राधिकरण के साथ इसे पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 1 और 3 कथन सही है, बाकी दूसरा गलत है। सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, निम्नलिखित में से किन भूदेशों का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है? निम्नलिखित में से किन भूदेशों का या आकृतियों का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है? जलोढ़ पंख नदियां बनाती, गोखुर झील डेल्टा भी आपकी नदियां बनाती हैं, संरचनात्मक बेंच गलत है, नदी वेदिका ये भी आपका गलत है। तो इसमें आपका 1, 2, 3 सही है, बाकी 4 और 5 गलत है। नदियां अपरदन के महत्वपूर्ण कारक हैं। नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को नदीय स्थलाकृतियाँ कहा जाता है। नदियों द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ इस प्रकार हैं, अपरदित भी आकार की घाटी, गार्ज कैनियन जलप्रपात, रैपिड्स संरचनात्मक बेंचेस और तटबंध। यहाँ क्या पूछा था? नदियों के निक्षेपण से। ठीक है, और अपरदित में कौन कौन से शामिल हैं? नदियों के द्वारा जो अपरदन किया जाता है उससे जो आपकी आकृतियाँ बनती हैं उनमें आपका भी आकार की घाटी शामिल है, गार्ज शामिल है, कैनियन शामिल है, जलप्रपात, रैपिड्स, संरचनात्मक बेंचेस, तटबंध। और निक्षेपण द्वारा आपकी नदियाँ बनाती हैं जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, बाढ़ का मैदान, डेल्टा, गोखुर झील। ठीक, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है आपका तीसरा, क्या है? निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। बिलोक पर्वत का निर्माण तन्यता और संपीड़ित अंतरजाल बलों के कारण उत्पन्न दरारों से होता है। सही है। बॉसगेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट बिलोक पर्वत हैं, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके दोनों सही हैं। क्या है? दोनों कथन सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 4, क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश तुल्य जलवायु की विशेषता नहीं है? शांत समशीतोष्ण पश्चिमी सीमांत की विशेषता नहीं है। वर्ष भर नियमित रूप से पछुआपनों का प्रभाव इसकी विशेषता है। तापमान और वर्षण पर महासागरीय प्रभाव के कारण अत्यधिक चक्रवातीय गतिविधियों और समुद्री जलवायु ये भी है। तुलनात्मक रूप से कम तापांतर तथा शीत ऋतु वसंत ऋतु के मौसम में अधिकतम वर्षा के साथ पर्याप्त वर्षा ये भी है। कपकपाती सर्दी वाली शीत ऋतु ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 5वां। काष्ठ स्थलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। काष्ठ स्थलाकृतियां शुष्क जलवायु प्रदेशों में विकसित होती हैं। गलत है। इन स्थलाकृतियों के निर्माण में घुलन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह आपका सही है। कंदराएं युवाला अपर्दित काष्ठ स्थलाकृतियां हैं। सही है। तो 5वें में आपका 2 और 3 कथन सही है, 1 गलत है। कथन 1 आपका गलत है। ठीक है, तो इसमें होगा आपका सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है आपका 6वां। शीत मरुस्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। शीत मरुस्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। शीत मरुस्थल में लंबी तथा शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है। गलत है। ध्रुवीय मरुस्थलों की तरह ये मरुस्थल वर्ष भर ठंडे नहीं रहते हैं। सही है। ये मरुस्थल समशीतोष्ण क्षेत्रों में अत्यधिक ऊंचाई तथा वृष्टि छाया क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 2 और 3 सही है, बाकी 1 गलत है। शीत मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल भी कहा जाता है। इसकी जलवायु भी गर्म हो सकती है। ये मरुस्थल लंबे समय तक और शुष्क ग्रीष्म काल के गवाह रहे हैं, लेकिन ना तो ये उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की तरह गर्म होते हैं, ना ही ध्रुवीय मरुस्थल की तरह सर्द होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 6वें में आपका 2 और 3 कथन सही था, यानी कि सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है आपका 7। पूर्वी अफ्रीकी पठार विषुवत रेखा के काफ़ी नज़दीक है, फिर भी इसकी जलवायु सुखद है। क्यों? क्योंकि यह समुद्र तल से ऊंचाई पर अवस्थित है। बी ऑप्शन सही है उसमें। क्वेश्चन है हमारा 8वां। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सी अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं? तो इसमें ड्रेमलिन गलत है। नदी घाटी है, बरखान ये भी आपका गलत है, जलप्रपात है आपका। 2 और 4 आपकी अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। घाटियां ये आपकी डेमलिन है, जो निक्षेपित जलप्रपात निक्षेपण द्वारा बनती हैं आती हैं, और बरखान भी आपकी निक्षेपित द्वारा वायु निक्षेप से, और जो डेमलिन है ये आपकी हिमनीय निक्षेप से बनती है। तो इसमें आपका 2 और 4 सही था। क्वेश्चन है हमारा 9वां। क्या है? निम्नलिखित जलवायवीय विशेषताओं पर विचार करना है। उपयुक्त जो आपकी नियत शुष्क एवं नम मौसम, वर्ष भर उच्च तापमान, उच्च सूर्याताप, 50 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा, ये सभी जलवायवीय विशेषताओं का संबंध निम्नलिखित में से किस जीवोम से है? तो याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 9 में होगा ये आपका
सवाना से संबंधित है। सवाना जीवों से संबंधित है, ये आपकी विशेषता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 10वां। याद रखिए, आपकी जो भी इस तरह की पीडीएफ होती हैं टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। ठीक है, निम्नलिखित जीवोम को बढ़ते हुए एल्बिडो के क्रम में सम्मिलित करना है हमें, तो इसमें आपका सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार होगा, फिर होगा आपका सवाना, फिर होगा आपका मरुस्थलीय, फिर होगा टुंडा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका सही, 10वें में आपका होगा सी। क्वेश्चन है हमारा 11। निम्नलिखित में से कौन से कारक सेलों के अपक्षय से संबंधित हैं? पाला, पवन, वनस्पति, ऑक्सीकरण, पशु वर्ग। 11 में आपके पांचों कथन सही है, जो पांचों जो कूट दिए गए हैं ये सभी आपके सही है, यानी कि 11 में आपका डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है आपका 12, क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, जो नीचे कथन दिए हैं इनमें से कौन सा कथन सही है? ग्रेनाइट और स्लेट अपारगम सेलें होने के कारण हमेशा जल, हिम और पाले जैसे अपरदन के कारकों से मुक्त होती रहती हैं। गलत है। ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट और चूना पत्थर जैसी चट्टानों से छोटी पहाड़ियों का निर्माण होता है, लेकिन इनसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण नहीं होता। ये भी आपका गलत है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 में आपके दोनों कथन गलत हैं। क्या है? दोनों कथन गलत हैं। ग्रेनाइट एक हल्के रंग की अग्नेय चट्टान होती है। इसके कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें बिना किसी सहायता के आंखों से देखा जा सकता है। स्लेट एक सूक्ष्म पर्डिल कायांतरित सेल है, जो निम्न श्रेणी वाले प्रादेशिक कायांतरण द्वारा सेल या पंकास्म के परिवर्तन द्वारा निर्मित होती है। ग्रेनाइट और स्लेट दोनों ही अपरदन रोधी हैं, लेकिन वे धीरे धीरे विभिन्न अपरदन कारकों जैसे पानी, ठंड आदि द्वारा नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार की सेलें अग्नेय, अवसादी या फिर कायांतरित सेलें उच्च या निम्न पर्वतों पर उनकी विशेष स्थिति के अनुसार पाई जा सकती हैं। ठीक है, तो 12 में आपके दोनों कथन गलत थे, यानी कि डी ऑप्शन था इसमें। क्वेश्चन है हमारा 13वां। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक हैं? निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक हैं? नदी के मुहाने के आसपास का उथला तट सही है। मुहाने के पास नदी का बहाव मंद होना, ये भी सही है। मुहाने के निकट ज्वारीय तरंगें प्रबल होनी चाहिए, ये आपका गलत है। इसमें 1 और 2 कथन सही है, तीसरा आपका गलत है। डेल्टा से मिलने वाला सागर संकीर्ण होना चाहिए, अन्यथा निक्षेप गहरे जल में आदृश हो जाएगा। प्राथमिकता के तौर पर तट ज्वार मुक्त होना चाहिए। क्या? ज्वार मुक्त होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा जो होता है एक ऐसी स्थलाकृति होती है जिसका निर्माण नदी के मुख पर होती है, जहाँ से नदी किसी महासागर या सागर या खाड़ी या झील या जलाशय में मिलती है, वहाँ बनता है आपका डेल्टा। डेल्टा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है, जब नदी इसे मुहाने पर छोड़ देती है। ठीक, तो इसमें ए ऑप्शन था। क्वेश्चन है आपका 14। भारत में तटीय अपरदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तटीय अपरदन में वायु और जल प्रवाह से तटरेखा के सहारे पदार्थों का टूटना और प्रभावित होना शामिल है, सही है। तटीय अपरदन के कारण लक्षद्वीप की पराली द्वीप नष्ट हो गया है, ये भी आपका सही है। भारत के सभी द्वीप समूहों में सर्वाधिक तटीय अपरदन लक्षद्वीप में होता है, ये आपका गलत है। क्या है? तीसरा कथन आपका गलत है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपरदन का सर्वाधिक सामना कर रहा है, ना कि आपका लक्षद्वीप। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप सर्वाधिक अपरदन का सामना कर रहा है, ठीक है, जिसकी लगभग 89% तटरेखा बंगाल की खाड़ी में समा चुकी है, अंडमान व निकोबार की। इसमें आपका बी ऑप्शन सही था, एक और दो। क्वेश्चन है आपका 15। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है हमें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है जो सही ढंग से सम्मिलित हैं उन्हें देखना है। तो इसमें पर्वत हैं और पर्वत निर्माण की प्रक्रिया अरावली रेंज ये वलन से संबंधित है, सही है। माउंट फ्यूजी बहरेनसन गलत है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ज्वालामुखी ये भी आपका गलत है। इसमें केवल एक कथन आपका सही है, क्या है? एक सही है। अरावली श्रृंखला प्राचीन पर्वतों की एक घिसी हुई छत है, यह भारत में वलित पर्वत श्रृंखला में सबसे पुरानी है। ब्लॉक भ्रंश पर्वत सामान्यतः रिप्ट के परिणाम स्वरूप बनते हैं, जो तनावपूर्ण विवर्तनिक बल के सूचक होते हैं, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट। किसे? भ्रंश ब्लॉक पर्वत, भ्रंश पर्वत सामान्यतः रिप्ट के परिणाम स्वरूप बनते हैं। और तो इसमें क्या था? एक सही था केवल। 15 में आपका ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा 16। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक क्रमिक क्रिया है? निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक क्रमिक प्रक्रिया है? यह है आपकी अपरदन। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 17। वाताग्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। जब ठंडी वायु गर्म वायु राशि की ओर प्रवाहित होती है तो इनके संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं, सही है। यदि गर्म वायु ठंडी वायु राशि की ओर प्रवाहित होती है तो इनके संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं, ये भी सही है। यदि कोई वायु राशि भू सतह से पूर्णतः ऊपर उठी हो तो इसे हम लोग अधिवृष्ट वाताग्र कहते हैं। 17 में आपके तीनों कथन सही है, क्या है? तीनों कथन सही है। जब दो भिन्न वायु राशियां आपस में मिलती हैं उनके बीच का सीमा क्षेत्र जो होता है उसे हम लोग वाताग्र कहते हैं। तो इसमें आपके 17 में तीनों कथन सही थे, यानी कि डी ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन है 18। इन स्थलाकृतियों का निर्माण तब होता है जब विभंजित रेखा के सहारे जोरदार संपीड़न बल क्रियाशील होता है, इसे कहा जाता है निप्पे। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 19, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमनद अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? ये आपकी गहवार। हिमनद के अपरदन से निर्मित आपकी आकृतियां हैं हिमज या सर्ग, लटकती घाटी, तीक्ष्ण कटर, हॉर्न फ्योर्ड, ठीक। क्वेश्चन है हमारा 20। घास के मैदानों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। घास के मैदानों की निम्नलिखित विशेषताओं पर हमें विचार करना है। 500 से 1250 मिलीमीटर वर्षा के साथ गर्म उष्ण जलवायु उष्णकटिबंधीय सवाना की विशेषता है, सही है। 500 से 900 mm वर्षा के साथ गर्म शीत ग्रीष्म ऋतु और ठंडी शीत ऋतु उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु की विशेषता है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपके दोनों कथन सही है, क्या है? दोनों कथन सही है। उष्ण कटिबंधीय सवाना घास के मैदान आपके अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका तथा भारत के अधिकांश भागों में पाया जाता है, और यहाँ पेड़ और बड़ी झाड़ियाँ यहाँ नहीं पाई जाती हैं। जिराफ, जेब्रा,
भैंस तेंदुआ, लकड़बग्घा, हाथी चूहा, छछूंदर, सांप और कीड़े आदि आपके उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदानों में पाए जाते हैं। ठीक, यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका के कुछ भागों में आपके समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ आपके घास हैं कॉटन बुड्स, ओक और बीलो जैसी वनस्पतियाँ, चिंकारा, हिरन, जंगली गैंडे और शेर यहाँ के प्रमुख जीव हैं। तो इसमें आपका 20 में आपका सी था, दोनों कथन सही थे। क्वेश्चन है 21, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। गर्म एवं आर्द्र ग्रीष्मकाल तथा शुष्क और हल्की सर्दी वाला शीतकाल इसकी मुख्य विशेषता है, ये आपका गलत है। भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति के कारण सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से वायुदाब पेटियों में होने वाला मौसमी परिवर्तन है, ये सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका दूसरा सही है, पहला गलत है, पहला कथन इसमें गलत है। भूमध्य सागरीय जलवायु अपनी उत्पत्ति के लिए सूर्य के उत्तर एवं दक्षिण प्रवास के कारण दाब पेटी के मौसमी स्थानांतरण पर निर्भर करती है। भूमध्य सागरीय जलवायु इसे तीन विशिष्ट विशेषताओं द्वारा वर्णित किया जाता है, आर्द्र सर्दी और शुष्क गर्मी का मौसम, गर्म गर्मी और हल्की सर्दी, पूरे वर्ष प्रचुर मात्रा में धूप, इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। ठीक, तो इसमें आपका 21 में बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 22, क्या है, विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि हमें सही कथन चुनना है। यह विदेश मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है, यह आपका गलत है। वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों पर विकासशील देशों के बीच प्रभावी नीति संवाद और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए RIS को एक मंच के रूप में जाना जाता है, सही है। RIS कार्यक्रम का फोकस दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना है, ये आपका सही है। इसमें केवल एक कथन आपका गलत है। विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे में विशेषज्ञ है। ठीक है, थिंक टैंक अपने गहन नेटवर्क के माध्यम से RIS अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास साझेदारी के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत सहयोग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका सी ऑप्शन सही था, 2 और 3। क्वेश्चन है हमारा 23, क्या है, भारत में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। EBP का मुख्य उद्देश्य वाहन उत्सर्जन और कच्चे पेट्रोलियम के कारण बढ़ने वाले आयात के बोझ को कम करना है, सही है। केंद्र सरकार ने EBP के लक्ष्य को 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया, ये आपका गलत है। एथेनॉल एक एग्रो आधारित उत्पाद है जो चीनी उद्योगों के बाय प्रोडक्ट से निर्मित होता है जिसका नाम गुड़ है, ये सही है आपका। इसमें आपका दूसरा कथन केवल गलत है। नए मिश्रणों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्रिड तेल विपणन कंपनियों डिपो को डिलीवरी देता है और आपूर्ति की जाने वाले विवरण मात्रा पर काम किया है इसने। ठीक है, केंद्र सरकार ने EBP के तहत 5% से 10% तक के लक्ष्य को निर्धारित किया है, कितना, 5% से 10% तक के। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका बी ऑप्शन सही है, 1 और 3 कथन सही है। क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत सरकार के विधि और
न्याय मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं। संविधान की व्याख्या। केंद्र सरकार के लिए प्रमुख कानून प्रारूपण, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और निष्कासन, इसमें तीनों कथन आपके सही हैं। क्या है? तीनों कथन सही है, यानी कि 24 में आपका सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है 25वां। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पहले निम्नलिखित में से कौन अपील की सर्वोच्च अदालत के रूप में कार्य करता था? तो याद रखना 25 में आपका पीवी काउंसिल होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चंस लाते रहेंगे, ठीक है।